टॉलरेट कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे इनकी जो इनकी गतिविधियों को। हम लोग चाहते थे कि कैसे भी नगर पालिका जो है पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से चले, शांति माहौल से चले। देखिए कि हम लोग, मैं अपना 200 वार्ड में से मेरे वार्ड में 2500 से बेहतर व्यवस्था आपको मिलेगी, लेकिन ये व्यक्ति पता नहीं मुझसे क्या जलन है या इसकी क्या भावना है। मेरा अगर कोई काम भी रहता है, चाहे मेरे क्षेत्र की जनता काम रहता है, तो वो भी करने के लिए जो है इनकार कर देता है। आप लोग फिक्स किया है, फिक्स करना चाहिए। आप आज तो बैठे हैं हमारे साथ, आप तो बैठेंगे नहीं बैठेंगे ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान के साथ कायम रखने की ज़रूरत है। जब कुछ बहुत सारी बातें बिगड़ती हुई नजर रही, यहाँ तक कि एक तरफ जहाँ सर्कस और चरखी को शुरू करा दिया गया, नगर पालिका परिषद की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो यहाँ पर चाहे उस चरखी वाला हो, चाहे सर्कस वाला हो, चाहे खोमचा वाला हो, चाहे बड़ी दुकान वाला हो, वो सिर्फ हमारे लिए एक व्यापारी नहीं है, बल्कि हमारा वो अतिथि भी है। क्योंकि पिछले 500 साल से लोग हमारे इस ददरी मेला में आकर के हमारे मेला का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। उनको अगर कोई तकलीफ होती है तो बलिया के सम्मान के साथ ठीक नहीं है। ये जिला प्रशासन के और नगर पालिका प्रशासन की सद्बुद्धि आई और उन लोगों ने आज सर्कस और चरखी सबका परमिशन दिलाने का काम किया। यह काम पूर्णिमा के 3 दिन पहले हो जाता था। सर्कस के वो परमिशन, चरखी का परमिशन, दुकान का आवंटन, ये सब कुछ मैं सबको दोषी कहूँगा जो लोग मेला से जुड़े हुए हैं, कि इन लोगों की अव्यवस्थाओं का ही शिकार इस बार का ददरी मेला हो गया। फिर भी जो बचा है उसको ठीक कराने के लिए मैंने जिला प्रशासन के लोगों से भी बात किया। विवाद आज इसलिए हो रहा था कि मैं अपने जो मुझे मेला प्रबंधक बनाया गया है, मैं उस आज पद से इस्तीफा देने के लिए आया था और माननीय चेयरमैन साहब को मैं इस्तीफा दे भी चुका हूँ। चेयरमैन साहब के चलते आज तक पूर्ण रूप से जो है मेला चालू नहीं हो पाया है। व्यापारी आज जो है एकदम अपने एकदम आखिरी चरम सीमा पे है, ना नल लगा है, ना कोई व्यवस्था हो पाई है, ना सफाई हो पा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं। झूले वाले हैं ना, झूले वालों का जो है यानी वो किया गया है कि परमिशन देके कि आप लोग झूला चला सके।